हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और एआई टूल की, जो कि हमारा टेक्स्ट बेस इमेज क्रिएट करने का ही टूल है। इससे पहले हमने बात की थी ओपन एआई के टूल डाल ई की, और अब हम बात कर रहे हैं जो कि है हमारा मिड जर्नी। जब आप मिड जर्नी की ऑफिशियल साइट पे आते हो midjourney.com पे, तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिलते हैं, ज्वाइन द बीटा, साइन इन, गेटिंग स्टार्टेड और कम्युनिटी शोकेस। तो आपको क्लिक करना है ज्वाइन द बीटा पे, तो आपको ये लेके आएगा यहाँ डिस्कॉर्ड लिंक पे। वहाँ पे आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा, और भी हो सकता है कोई और चीज़ पूछ ले। आपको इनवाइट एक्सेप्ट करना है और ये आपको वहाँ ग्रुप्स में लिंक करा देगा। जब आप डिस्कॉर्ड चैनल पे आ जाते हो, तो आपको यहाँ पर देखना है कि कुछ भी इन्फो वगैरह यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करोगे, तो आपको मिलेगा एक रूम, कुछ भी नाम से हो सकता है, न्यूबीज के लिए। तो वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। जब आप रूम को ज्वाइन कर लेते हो, तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देनी है, और वो इंस्ट्रक्शन किस तरीके से देनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे टेक्स्ट की फॉर्म में, वो आपको जनरेट करके देगा इमेज की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें टाइप करना है स्लैश इमेजिन, और जब आप स्लैश इमेजिन टाइप करोगे, कमांड दोगे, तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आप जो भी चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ क्रिएट अ कार्टून ऑफ बिटकॉइन, आपने एंटर कर दिया। अब देखो, आपको यहाँ पे कमांड मिल जाएगी, और यहाँ पे आ रहा है वेटिंग टू स्टार्ट। अब देखते हैं ये कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स में हमारी इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा, और हमारे को क्या रिजल्ट देता है। ओके, तो हमारा रिजल्ट लगभग 2 मिनट में आया होगा। जो हमारी कमांड थी क्रिएट अ बिटकॉइन, क्रिएट अ कार्टून ऑफ बिटकॉइन, तो उसने हमारे को ये रिजल्ट्स दिए हैं। अब आप यहाँ पे जो भी आपको पसंद आ रहा है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। या तो अगर आपको इनमें से फाइनल है, तो आप U1, U2, U3 एंड U4, मतलब U1, U2, U3 एंड U4 वो सेलेक्ट करके आप अपना फाइनल इमेज क्रिएट करा सकते हो। और अगर नहीं आपको इसमें भी कुछ चाहते हो कि वेरिएंट्स मिले, तो आप यहाँ पे V1, V2, V3 एंड V4 को सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ और चाहिए, इन चारों में से कोई पसंद नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एक रिफ्रेश का ऑप्शन है, आप उसको क्लिक कर सकते हो। मैं आपको V1 के वेरिएशंस दिखाता हूँ, कि अगर हमें V1 वाली इमेज में ही वेरिएशंस देखने हैं, मतलब इसी तरीके की और चार इमेज हमारे को मिल जाए, तो वो किस तरीके की बनाता है। तो हमारा V1 वेरिएशन इसे तैयार कर दिया, मतलब जो इमेज थी हमारी फर्स्ट वाली, उसके चार वेरिएशंस आ गए हमारे पास। अब अगर ये हमारे को फाइनल है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसको लास्ट में तैयार करा सकते हो। और अगर आपको इसमें भी रिफ़्रेश करना है, तो रिफ़्रेश कर सकते हो। अब ये डाउनलोड कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। मतलब हमारे लिए जैसे पहली वाली इमेज फाइनल है, तो हम U1 पे क्लिक कर देंगे, और ये हमारी को एक क्वालिटी वाली इमेज तैयार कर देगा। ओके, लगभग 2 मिनट के प्रोसेस के बाद इसने हमारी वो इमेज को फाइनल कर दिया है, और आप इसको अब डाउनलोड कर सकते हो। और जब आप इस पर क्लिक करोगे, ओपन इन ब्राउज़र का ऑप्शन मिलेगा आपको, और ओपन इन ब्राउज़र में जाके इसको सेव कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि आपने किस तरीके से इमेज बनानी है और इंस्ट्रक्शन देनी है। इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई इमेज है और आप उसको चेंज करना चाहते हो, उसमें कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, तो उसको कैसे देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें फिर से स्लैश इमेजिन टाइप करना है, और इसके बाद प्रॉम्प्ट पे क्लिक करके आपको अपनी वो इमेज का लिंक लेके आना होगा। तो वो इमेज के लिंक के लिए मैं आपको एक साइट बताता हूँ, postimg.cc। यहाँ पे आप जाके अपनी इमेज को अपलोड करोगे, तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएंगे। यहाँ डायरेक्ट लिंक को आपने कॉपी करना है और यहाँ पे लेके आना है। आपने इमेजिन स्लैश इमेजिन आपने डाल लिया, इसके बाद यहाँ पर आपको उस लिंक को पेस्ट करना है। और यहाँ पे मैं जैसे चाहता हूँ कि इस इमेज को एक कार्टून की तरह बना दें, क्रिएट, हमने ये इंस्ट्रक्शन दे दी इसको, और अब देखते हैं कि हमारी इस इमेज को क्या बनाता है। ओके, इसने हमारे उस URL से जो इमेज बनाई है, कार्टून में चेंज किया है, वो ये किया है। और वैसे ये मेरे को चिढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, इसमें बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। चलो हम देखते हैं कि इसके पास हमारे वेरियंट 4 में क्या ऑप्शन है। हम V4 पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आता है। ओके, इसने हमारी इमेज के लिए फिर इस तरीके से और ज़्यादा वेरिएंट्स बना के भेजे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि इसमें से U4 को फाइनल करना, तो हम U4 को फाइनल कर लेंगे। वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, आप U4 पे क्लिक कर देंगे, ये आपको इमेज बना देगा, और आप उसको डाउनलोड कर लेंगे।
तो ये इस तरीके से AI काम करते हैं, जिसमें आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो टेक्स्ट की फॉर्म में और उसके बाद वो आपको इमेज क्रिएट करके दे रहा है। इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि आप इन इमेजेस को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, एज ए NFT किसी भी आर्टिकल में अपलोड करना या कहीं भी जहाँ भी आपको नीड है, आपके पास कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। ये AI बेस्ड इमेजेस हैं जो जनरेट की गई हैं आपके इंस्ट्रक्शन पे, तो ये आप ही की हैं। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नया, और अभी इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।